वेलकम ऑफ द कफ और वह फैसल से ये कह रही थी कि मुझे ऑफ द कफ के एक तो बिल्कुल सतही सा मतलब होता है वेपर की उड़ा दे वेपर की तो हम वेपर की तो नहीं उड़ाते नहीं वेपर की कोशिश तो यही होती है कि ना करें उड़ाते नहीं है कम से कम है भी तो वेपर की तो लेकिन अब उड़ाना पड़ेगी क्यों इसलिए कि मुझे तलाश है किसी आदमी की आपको बताया भी था मैंने जो ब्रैडले मैनिंग की क्यों? पाकिस्तानी ब्रैडले मैनिंग आपको पता है ना कौन है ब्रैडले इसलिए जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उसने तमाम मुलाजमीन को कहा है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते ठीक है सर्कुलर भाई वो किताब देना नहीं वो दे दे मैंने बात की थी नैब वालों से बल्कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर से ही बात की थी उन्होंने मुझे सबूत दिए हैं और इसमें साफ लिखा है कि कहां का करप्शन हुई है पाकिस्तान के वो फला मिनिस्टर वो मिनिस्ट्री ऑफ वो जंगलात जाहिलात जो है ना उन्होंने बताया आपको देखिए एविडेंस आपस फाइल है देखिए मेरे पास ये फाइल में मौजूद है सब कागजात मैं दिखा नहीं सकता आपको मैं ऑफिशियल नहीं है हां ये तो उन्होंने बताया कि 12 अरब रुपए की चोरी हुई है और 13 अरब रुपए के दरख्त खा गए और वो जो उसने अपने रिश्तेदार को वो जो फला जॉइंट सेक्रेटरी था उसने अपने रिश्तेदार को लगवाया वहां पे अपने मिनिस्ट्री में और पैसे जो है वो फला मिनिस्टर को गए अच्छा वो जो जनरलों ने प्लॉट लिए थे जी हां और उसके पैसे जो है फला कर्नल को गए थे हां बिल्कुल सही है तो अब क्या करें प्रॉब्लम क्या है आपको क्यों चाहिए मतलब भाई सही तो है सब तो पता चल रहा है आपको अब यही मसला है कि सब पता तो चल रहा है ये हमारी बात मान लेंगे लोग नहीं मानेंगे उनकी मर्जी हमने तो इल्जाम लगा दिया अब साबित करते रहे बस यही एक तरीका रह गया यानी मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते अगर मैं किसी चीज़ को वेरीफाई करूं तो जो मुझे जर्नलिज्म सिखाया गया वो ये कि जी आप सोर्स से पूछें क्रॉस चेक करें और जब वो जो सोर्स और क्रॉस चेक करने वाले लोग अपने मुंह में घुंघियां डाल के बैठ जाएंगे तो फिर मैं बेपरगी उड़ाऊंगी ऑफ द कफ कहूंगी और कोशिश करूंगी कि वहां से कोई रिबटल आए रीड बिटवीन द लाइंस के भाई सही क्या है अच्छा, ये क्या ये ऐसे होगा ये पाकिस्तान है यहाँ रिबटल नहीं आएगा अरे भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ नहीं 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 आपको पता नहीं है कैसे आते हैं रिबटल वो जो एक टिपिकल कुछ अल्फाज हैं दिस रिपोर्ट इज मलिशियस बेसलेस मिस्चिवस वो आएगी और बस उसकी वजह है ना परवाह कोई उनको यूं नहीं है कि आपने कहा कि फला मिनिस्टर का सबूत है मेरे पास फला मिनिस्टर ने कहा तुम झूठ बोलते हो अल्लाह खैर सलाह कहानी मुक गई क्योंकि कौम सवाल नहीं करती क्यों भाई जवाब दे सबूत दे भाई कौम तो करे ना करे मैं अपनी रोजी जर्नलिस्ट के तौर पे कमाती हूँ हाँ। तो भाई मुझे तो ये फर्ज बनता है मेरा कि मैं तो सवाल करूँ कौम करे ना करे कौम को तो बाद में हमारे सवालों से जवाब चाहिए होता है ना नहीं तो जवाब नहीं देंगे तो ये एक वो जो एक वो शायद बिल पेश हो रहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन या एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो वो उसका क्या होगा किसने मना किया आपको तो फिर क्या होगा उसका कहाँ से आएगी वो ले ले? इसी तरह से आएगी आप आज अखबार में खबर पड़ी कि सेनेट के अंदर जॉब जो 18 अमेंडमेंट है उसके बाद ये रिक्वायरमेंट है कि मिनिस्टर आजाद सेनेट के पास जाएं और जवाब दें वो साफ पूछे इसीलिए तो उन्होंने सेनेट के जो चेयरमैन उन्होंने इजलास नहीं हाड़ी हुड़ी हुई वहाँ पे तो क्या उन्होंने फरमाया इस्लामुद्दीन शेख साहब ने कहा किसने कहा कि जी नहीं नहीं हम बड़ी इज्जत करती है हमारी गवर्नमेंट सेनेट की है वो और अगले हफ्ते आएंगे इस हफ्ते हज करने गए ओ भाई किसके पैसे हज करने किधर गए यहाँ मुल्क डूब रहा है आपको हज की सोचिए मैं आपको खुदा ना खास हाथ से नहीं हूँ आप जरूर हज पे जाइए लेकिन आपके पास मिनिस्ट्री है मुल्क का ये हाल है तो जाइए जवाब दीजिए पहले आप बिल्कुल आप डेलीगेट करके लेकिन उनको सेनेट को बाहर में जाए सेनेट क्या उनको क्या फर्क पड़ रही है नहीं तो सिर्फ सेनेट तो बाहर में नहीं जाए जब वो सवाल होते हैं कर लो क्या करोगे भाई क्या कर लोगे यार तो फिर आप मुझे ढूंढ के दे रहे हैं ब्रैडले मैनिंग मेरी रोजी का सवाल है नहीं नहीं कोई ब्रैडले मैनिंग यहाँ नहीं आएगा ना असांज आएगा उस बेचारे का वो असांज का क्या बेचारे का हो रहा है अब वो हमारे यहाँ अगर कोई आएगा भी तो उसका तो इससे भी बुरा हाल होगा उसका नाम जो है वो जूलियन मिर्जा है अच्छा आप गलत मानिए वो अमरीका का जुल्फिकार मिर्जा है उसने पहले तो दो चार दिन अमरीका के बारे में बातें की अमरीका उसके बाद अमरीका बारे में कुछ नहीं कहा बाकी सारी दुनिया की पूरी दुनिया की इसने घाट खड़ी कर दी साहब ठीक है तो ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी माशाल्लाह करते ही हैं कि दो जुमले रहमान मलिक के बारे में डॉक्टर रहमान मलिक माजद के साथ हाँ, प्लीज मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ आपका कसूर है यार वो उस यूनिवर्सिटी का कसूर है अब आप मुझे तो कसूरवार मत दैट इज योर प्रॉब्लम डॉक्टर रहमान मलिक साहब को दो गालियां दी दो एक गवर्नमेंट को दी और उसके बाद 1200 मोटी मोटी गालियां बाकी सबको लगा दी
ठीक है, तो आपको कुछ कह भी नहीं सकता उनको. तो जूलियन मिर्जा भी जो है उनका भी यही सिचुएशन है. तो कहाँ जाएंगे वो वापस, किस पार्टी में? वो भी इवेंचुअली पीपल्स पार्टी में मिल जाएंगे. सब घेर घार के रेवड़ बकरी ला के वो दोबारा अपनी. और वो तो बेचारा ब्रैडली मैनिंग उनकी वजह से जेल में बैठा हुआ है, सब मिसट्रीट भी कर रहे हैं उसको. और किसने कहा मिसट्रीट कर रहे हैं? ऑफ द कफ सुना है जी, जी लोगों ने कहा कह दो जी, बड़ी कुट मारते हैं उसकी. हाँ. वहां चाहे उसकी मालिशें हो रही हो. रेमंड डेविस बड़ी मुश्किल में था यहाँ पे बेचारा. हाँ बेचारा जेल में बहुत मुश्किल, पीछे से खाना खाता था. हालांकि उसका हक है, उसने बात सुने, उसका वो केज्ड इन एंगर था. पाकिस्तान ने इतना उसको मिसट्रीट किया कि उसने जाके कार पार्क में पिटाई कर दी लोगों की. ठीक है, गुस्सीला खून जवान है. हाँ, क्या नहीं, जवान खून है, गर्म है, बिल्कुल बहुत गर्म है, हो जाता है कोई गर्म दिमाग गर्म खून, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है ये. तो चलें, आप दुआ को रहे हैं कि कोई सरकारी अफसर आपसे बात करेगा और बात भी करेगा उसने कौन सा बता दें. जहाँ तक राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, पुत्र अल्लाह खैर कर सी, मुल्क की खैर करे, अल्लाह खैर, हमारी खैर है, हमारी खैर है. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह.